समय क्या है? समय एक आयाम है जो घटनाओं के अनुक्रम और अवधि को परिभाषित करता है। यह क्षणों के बीतने को मापने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है और हमें घटनाओं के क्रम को व्यवस्थित करने और समझने की अनुमति देता है। समय अतीत, वर्तमान और भविष्य को समाहित करता है, ब्रह्मांड की हमारी धारणा को आकार देता है और अस्तित्व को प्रकट करता है। समय वह गूढ़ प्रकृति जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, युगों युगों से मानवता को कौतूहल में डालती रही है। जैसा कि हम इसके पारित होने को मापते हैं, हम सवाल करते हैं कि क्या ये एक भ्रम है या ब्रह्मांड का आंतरिक तत्व है। इस मनोरम विषय की गहराई की खोज करने से हमारी धारणा क्वांटम यांत्रिकी और स्पेस टाइम के ताने बाने के बीच परस्पर क्रिया का पता चलता है। साथी खोजकर्ताओं, आपके चैनल ब्रेनित में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक दिमाग को हिला देने वाले विषय पर गोता लगा रहे हैं, जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को आकर्षित किया है, समय की प्रकृति। क्या समय एक भ्रम है या ब्रह्मांड में इसकी मौलिक भूमिका है? चलो पता करते हैं। हम अक्सर समय के बारे में सोचते हैं जिसे हम माप सकते हैं, घड़ी की टिक टिक की तरह सेकंड। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? कुछ वैज्ञानिक प्रस्तावित करते हैं कि समय केवल एक टिक टिक करने वाली घड़ी से अधिक हो सकता है। उनका सुझाव है कि समय एक भ्रम हो सकता है, हमारे दिमाग का निर्माण। क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में हमने कुछ विचित्र घटनाओं की खोज की है। यह समय की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार समय आकस्मिक हो सकता है, कणों के बीच परस्पर क्रियाओं का एक उत्पाद। बहुत खूब। इसलिए यदि समय एक भ्रम है तो हमारे दैनिक जीवन के लिए इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब यह है कि हम फिल्मों की तरह समय को मोड़ और हेरफेर कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल नहीं। जबकि हमारे पास अभी तक डिलोरियन टाइम मशीन नहीं है, समय के भ्रम होने का मतलब यह नहीं है कि हम अतीत या भविष्य को बदल सकते हैं। इससे पता चलता है कि समय की हमारी धारणा व्यक्तिपरक हो सकती है, जो गुरुत्वाकर्षण और गति जैसे कारकों से प्रभावित होती है। इसे और समझने के लिए आइए स्पेस टाइम की अवधारणा में गोता लगाए। कल्पना कीजिए कि एक दीवार अंतरिक्ष समय के ताने बाने का प्रतिनिधित्व करती है, जहां समय जटिल रूप से ब्रह्मांड के सार में बुना जाता है। गुरुत्वाकर्षण, जैसा कि आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया था, केवल एक बल नहीं है बल्कि द्रव्यमान के कारण होने वाले स्पेस टाइम का वक्रता है। इसका अर्थ है कि तारे और ग्रह जैसी विशाल वस्तुएं अपने चारों ओर समय के प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। समय फैलाव के रूप में जानी जाने वाली ये घटना मन को लुभाने वाली है। समय फैलाव का मतलब है कि आप कहाँ हैं या आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसके आधार पर समय अलग अलग गुजर सकता है। यह विज्ञान कथा की तरह लग सकता है, लेकिन इसे उच्च गति वाले कणों और यहाँ तक कि जीपीएस उपग्रहों से जुड़े प्रयोगों में देखा और मापा गया है। जबकि समय फैलाव दिखाता है कि समय सापेक्ष हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि समय एक भ्रम है। समय हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक मौलिक भूमिका निभाता है। हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और मौसम बदलते देखते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक अभी भी समय की वास्तविक प्रकृति की खोज कर रहे हैं। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि समय ब्रह्मांड के अन्य मूलभूत पहलुओं जैसे क्वांटम उलझाव और स्वयं अंतरिक्ष के ताने बाने के साथ परस्पर जुड़ा हो सकता है। अंत में, समय एक भ्रम है या ब्रह्मांड में एक मौलिक भूमिका है, ये एक पेचीदा और जटिल पहेली है। जबकि कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि समय व्यक्तिपरक हो सकता है या क्वांटम क्षेत्र से उभर सकता है, यह हमारे दैनिक जीवन और ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक आवश्यक तत्व बना हुआ है। जैसा कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं, आइए हम उस आश्चर्य और विस्मय को अपनाएं जो उस समय को उजागर करता है और इस मनोरम घटना की गहराई का पता लगाना जारी रखता है। आज के लिए बस इतना ही खोजकर्ता। याद रखें, चाहे समय एक भ्रम हो या ब्रह्मांड का एक मूलभूत हिस्सा, ये एक आकर्षक विषय बना हुआ है जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है। अगली बार मेरे साथ फिर से जुड़ें, क्योंकि हम खोज की एक और रोमांचक यात्रा शुरू कर रहे हैं। तब तक ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में खोज
पूछताछ और आश्चर्य करना कभी बंद न करें। याद रखें, समय वह है जो हम इसे बनाते हैं, इसलिए आइए हर दूसरे को गिनें। और कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। घंटी बजाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो ये आपको अपडेट रखे और आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो भी देख सके जो बहुत ही रोचक और आकर्षक है। एक बार फिर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।